जो है वो पेंसिलिन जी एंड बीटा लैक्टमेज इससे रेजिस्टेंट है, तो इस वजह से पेंसिलिन जी जो है वो इसके अगेंस्ट इनफेक्टिव हो गई हैं। अब जो हम मेडिसिन न्यू टाइप्स ऑफ ड्रग्स यानी नेफिसिलिन एंड मेथिसिलिन ने पेंसिलिन जी को रिप्लेस किया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेफ ओरियस, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका भी था कि हम पेनिसिलिन के साथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स लगा दें, जो कि क्लेवोलोनिक एसिड, टाजोबैक्टम, सेलबैक्टम, जो कि हम फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, वो ऐड कर देंगे। इस तरह जो बीटा लैक्टमेज जो बैक्टीरिया के पास थी उसको रोक दिया गया, मतलब उसको इनहिबिट कर लिया गया, उसको कंट्रोल कर लिया गया, और हमने जो पेनिसिलिन है उसका भी यूज़ कर लिया। लेकिन जो मर्सा स्ट्रेन्स थे और जो नर्सा स्ट्रेन्स थे उनके लिए फिर न्यू मेडिसन्स को इन्वेंट किया गया, जो कि उनसे उन ज़्यादा बेटर टॉलरेटेबल थी, जैसे वेंकोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन। ये मेडिसिन सारी की सारी इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। और लाइफ थ्रेटनिंग अगर कोई कंडीशन है स्टेफ ओरियस की वजह से, जैसे कवासाकी डिजीज़ है, तो उस कंसिड्रेशन में हम ट्राई मिथोप्रियम सल्फा मिथोक्सेजोल यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो मर्सा रेजिस्टेंट है उसके लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन है जो प्रिस्क्राइब की जा सकती है वो है सेफ्टारोलीम फोसामिल। अगर कई सारे जो स्टेफ ओरियस हैं वो वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस भी हैं, अब क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि स्टेफ ओरियस में वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है, जब इनका डी एलानिन रिप्लेस हो जाता है बाई डी लैक्टेट। तो वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए हम डेप्टोमाइसिन, क्विनोप्रिस्टीन, डेल्फोप्रिस्टीन, ये चीज़ें, ये ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे। डेल्फोप्रिस्टीन, क्विनोप्रिस्टीन, ये स्ट्रेप्टोग्रामिन्स हैं, ये भी इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और अगर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम सिचुएशन आ गई है, शॉक की सिचुएशन है, तो हमें फ्लूड रिप्लेस करना पड़ेगा, सिलाइंस लगाने पड़ेंगे, रिंगर सोल्यूशन देना पड़ेगा पेशेंट को। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, यानी हम इस बैक्टीरिया को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी इसकी डिजीजेस से कैसे खुद को बचा सकते हैं। हमने इसके ट्रांसमिशन में पढ़ा था कि ये बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली हमारे हैंड्स के ऊपर प्रेजेंट है, हॉस्पिटल डॉक्टर्स, हॉस्पिटल पर्सनल की हैंड्स के ऊपर प्रेजेंट है, वहाँ से ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो फिर इसको, इससे हमें बचने के लिए या इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना होगा, हैंड वॉशिंग करनी होगी विद गुड सोप्स, इसके अलावा हमें जो है वो क्लीनिंग करनी पड़ेगी हैंड्स को, डिटोल वॉश करना पड़ेगा, सैनिटाइजर्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्टेफलोकोकस ओरियस है इसकी जो मेजर कैरियज है वो नोज़ है, 30% ऑफ जो है ना पीपल वो कैरी करते हैं स्टेफ ओरियस को इन दर नोज़। तो नेज़ल कैरियज को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, बाय द यूज़ ऑफ मुपीरोसिन, ये एक ड्रग है, एक एंटीबायोटिक है जो कि हम नेज़ल कैरियज को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ओरली ड्रग्स सिप्रोफ्लोक्सासिन, ट्राइमिथोप्रियम सल्फा मिथोक्सेजोल, ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिफेजोलिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हमारा जो इस लेक्चर का है सिफेजोलिन। सिफेजोलिन जो है हम ये यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए नहीं, एज प्रोफाइलेक्सिस, एज प्रिवेंशन। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ओटी वगैरह में, या जितने भी हमारी ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, सर्जरीज हो रही होती हैं, उनमें पेशेंट को सर्जरी से पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, वो है सिफेजोलिन। सिफेजोलिन ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर प्रिवेंशन बिफोर सर्जरी। स्टेफ ओरियस हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट है, ऑब्वियस बात है, जब स्किन के ऊपर प्रेजेंट है तो जब स्किन ब्रीच होगी ड्यूरिंग सर्जरी तो इसको मौका मिल जाएगा कि स्किन को पेनिट्रेट करके इनसाइड मूव कर जाए और पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करे, सर्जिकल वूंड इन्फेक्शन कॉज करे, पोस्ट ऑपरेटिव निमोनिया पेशेंट के अंदर कॉज करे। तो इस सब से बचने के लिए हम पेशेंट की उस साइट को जहाँ पर सर्जरी होनी है पहले सिफेजुलिन से उसको डिसइन्फेक्ट कर देते हैं, ताकि जो है स्टेफ ओरियस की रोकथाम हो सके। एंड ये लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हो गया है, और स्टेफ ओरियस का भी पूरा का पूरा जितनी डिटेल बुक में मेंशन्ड है वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को बता दी है। इंशाल्लाह जब आप इन लेक्चर्स को सुन के तब बुक खोलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और आपको बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया को याद करना और मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इवन आप ये लेक्चर 2 से 3 बार सुनेंगे अच्छे तरीके से खामोशी में बैठ के, तो इंशाल्लाह आपको बुक से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके MCQs और आपके SEQs अब रिलेटेड टू स्टेफ ओरियस इंशाल्लाह सारे के सारे कवर हो जाएंगे। होप सो कि आपको ये लेक्चर स्टेफ ओरियस का बहुत ज़्यादा समझ आया होगा, और इंशाल्लाह आप कोई क्वेरीज रह गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, और
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें।